ये रेसिपी ना आजकल बड़ा ही वायरल हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसे ट्राई करती हूँ और देखती हूँ आखिर में ये इतना वायरल क्यों है। तो यहाँ पे ना ताज़े ताज़े टमाटर ले लिया है जो मैंने अभी अभी पेड़ से तोड़ के लेके आई। तो अपने पेड़ का टमाटर का मज़ा ही अलग है, दुकान में तो मिलता ही है बट अपने पेड़ का जो टमाटर का जो स्वाद है ना वो कहीं और नहीं मिलता है। तो एनीवे मैंने ना कढ़ाई पे ले लिया है थोड़ा सा सरसों का तेल, आप चाहो तो सादा तेल भी यूज कर सकते हो, और टमाटर को जो मैंने आधा काट के रखा है ना उसे मैंने फ्राई करने के लिए मीडियम फ्लेम पे रख दिया है, और ऊपर से मैंने थोड़ा सा यहाँ पे नमक छिड़क दिया है। अभी बस 2 से 3 मिनट ढक के हमें इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाना है दोनों तरफ। उसके बाद जब दोनों तरफ ऐसे पक जाए ना इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए और टमाटर का जो ऊपर का छिलका है उसे निकाल दीजिए। टमाटर का छिलका निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप जब चटनी बनाओगे ना तो आपके मुंह पे छिलका लग जाएगा ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए टमाटर का छिलका आप जरूर निकाल दीजिए। तो एक कटोरे में छिलका निकाल के मैंने टमाटर को रख दिया है। सेम कढ़ाई पे थोड़ा सा तेल लिया और 10 से 15 यहाँ पे मैंने गार्लिक यानी लहसुन फ्राई कर लिया। लहसुन फ्राई करने के बाद मैंने उसी कटोरे में रख दिया है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे प्याज, एक मिर्ची, धनिया पत्ता और आधी नींबू मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे चाट मसाला भी दे सकते हो एंड यहाँ पे रेड चिली भी दे सकते हो। मुझे तीखा उतना पसंद नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे सूखी मिर्ची नहीं डाली, नहीं तो आपको अगर पसंद है तो आप डाल सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च दिया हुआ है। उसके बाद इसे आप हाथों से या चम्मच से अच्छे से मिक्स करो और गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करो।